विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर के राजमार्गों के किनारे रोपे जाएंगे 125 करोड़ पौधे। प्रदेश में भी वृक्षारोपण और साइकिल रैली सहित हुए अनेक आयोजन। ईद पर मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई विशेष नमाज, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी मुबारकबाद। कोरबा और मुंगेली में मुख्यमंत्री ने लगाई चौपाल, लोगों से सीधी बातचीत कर मांगे सुझाव। और प्रदेश के हर जिले के एक विकासखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू होगी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण के संरक्षण के लिए आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि हमारे ग्रह और पर्यावरण ऐसे हैं जिसे हम अनुकूल परिस्थिति में संभाल कर रखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के स्वच्छ वातावरण से ही भविष्य बेहतर होगा। उधर नई दिल्ली स्थित पर्यावरण भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि देश के राजमार्गों के दोनों ओर केंद्र सरकार 125 करोड़ वृक्षों का रोपण करेगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने की मुहिम करते हैं। अनेक राज्यों ने यह देखा है कि 5 जून को भारत में गर्मी ज्यादा होती है तो थोड़ा आगे पीछे करते हैं, कुछ लोग जुलाई के पहले सप्ताह में लगाते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन मैं स्वागत करूंगा नितिन गडकरी जी के घोषणा का कि जो हजारों किलोमीटर के हाईवे उनके नेतृत्व में मोदी जी के मार्गदर्शन में बने हैं, उन सभी हाईवेज के दोनों तरफ 125 करोड़ पेड़ लगाने का उन्होंने ये किया है, एक निर्णय किया है। और गडकरी जी जैसा निर्णय करते हैं वैसा अमल में भी लाते हैं, और इसलिए भारत में हर एक आदमी को समझना चाहिए कि उसको जिंदगी भर जितना ऑक्सीजन लगता है उतना ऑक्सीजन मिलने के लिए 8-10 पेड़ तो उसको लगाने बनते हैं। इस मौके पर उन्होंने सेल्फी विद सैपलिंग अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण कीजिए और सेल्फी भेजिए। उधर विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भिलाई में बीएसपी सेल और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तथा सदस्यों ने इस मौके पर सुनीति उद्यान में वृक्षारोपण किया और पर्यावरण के प्रति सहभागिता निभाई। इस मौके पर रेलवे बोर्ड के सदस्य तथा अधिशासी निदेशक बीपी अवस्थी ने कहा कि प्रकृति को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण दिवस मना रही है और पर्यावरण दिवस एनवायरमेंट डे सोसाइटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं आपको बता दूं, सेल और रेल का मेल बड़ा अच्छा है, क्योंकि जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल सबसे ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, और सेल और रेल मिलकर उसी को आगे बढ़ाते हैं और उसी दिशा में ये कदम है। रेलवेज अपने आप में अपने कई सारे इंस्टीट्यूट्स और स्टेशंस को भी जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली कर रही है, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग लगा रही है और कार्बन रेटिंग को भी एड्रेस कर रही है। तो भारतीय रेल और अब सेल मिल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए जुड़ के कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं भिलाई नगर निगम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली में महापौर देवेंद्र यादव सहित निगम के अधिकारी, कर्मचारी तथा पर्यावरण प्रेमियों ने हिस्सा लिया। महापौर देवेंद्र यादव ने कहा कि रैली में लोगों को खाने की बर्बादी, ग्लोबल वार्मिंग और जंगलों की कटाई के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। परिसर में आकर
जन भागीदारी से इस तालाब की सफाई का अभियान शुरू किए हैं और श्रमदान करके साइकिल से यहाँ तक पहुंचकर साइकिल रैली के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण एक व्यापक शब्द है, उसका संरक्षण हर स्तर पर करने की ज़रूरत है और ये हम सबका को मिलकर ही करना पड़ेगा। प्रशासन शासन पर्यावरण संरक्षण अकेले नहीं कर सकती, जन भागीदारी आज तक पर्यावरण का संरक्षण किया, आने वाले समय में भी जन भागीदारी पर्यावरण को संरक्षित करेगी। रैली के बाद सभी लोगों ने तालाब की सफाई के लिए श्रमदान किया, वहीं स्कूलों में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित कर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया गया। वहीं पर्यावरण दिवस पर एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक एपी पंडा ने कहा कि एसईसीएल पूरे एक महीने तक पर्यावरण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करेगा। उन्होंने कर्मचारियों से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने और उसे संरक्षित करने की अपील की। उधर कबीरधाम जिले में भी नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर अवनीश शरण सहित जिले के अधिकारियों कर्मचारियों ने फलदार और औषधीय पौधों का रोपण किया। इधर दूरदर्शन केंद्र रायपुर में भी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। केंद्र परिसर में केंद्र निदेशक बीएम वर्मा और केंद्र में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया। पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों से पर्यावरण को स्वच्छ रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में वृक्षारोपण करने की अपील की है। माहे रमजान के महीने भर के रोजों के बाद आज ईद उल फितर का त्यौहार पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि रमजान का पवित्र महीना नेकी का संदेश देता है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के लोगों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि यह त्यौहार भाईचारे, सद्भाव और धैर्य का प्रतीक है। ईद के मौके पर प्रदेश भर के मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। श्री बघेल ने रायपुर स्थित मस्जिद में जाकर मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने हर वर्ग के लोगों से हाथ मिलाया और गले मिले। वहीं भिलाई के सेक्टर 6 स्थित ईदगाह में जामा मस्जिद के इमाम हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम अशरफी ने नमाज की रस्म अदा कराई। अपनी मस्जिद की तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर रहम फरमाए और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को बुरी नज़र से महफूज फरमाए और बिलखसूस हमारे सरज़मीन भिलाई को तरक्की अता फरमाए। ईद की जो त्यौहार है ये अमन और मोहब्बत की तालीम देता है, भाईचारगी की तालीम देता है कि ईद में एक दूसरे से वो लोग गले लगा कर इस बात का पैगाम देते हैं कि आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, जात बिरादरी का ऊंच नीच का मामला नहीं होना चाहिए, काले गोरे का फर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि जो भी सामने है उसे मोहब्बत से प्यार से गले लगाना चाहिए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और दुर्ग सांसद विजय बघेल ने लोगों से मिलकर उन्हें ईद की बधाई दी। गृह मंत्री ने कहा कि भाईचारे का यह पर्व मिलजुल कर रहने का पैगाम देता है। पूरा महीना रोजेदार हमारे भाई और बहन जो व्रत करते हैं, रोजा रखते हैं, इतना कठिन संयम से करते हैं और उसका जो परिणाम मिलता है वो हमारे प्रदेश ही नहीं पूरे मानवता की सेवा में अल्लाह ताला से जो मांगते हैं आपस में भाईचारा और सद्भाव का वातावरण जिसके कारण बना हुआ है हमारे पूरे देश में, ये एक बहुत ही पवित्र पर्व होता है और मैं अपनी ओर से खूब मुबारक देता हूँ ईद के मौके पर। पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ कि इसको बनाए रखें, बढ़ चढ़कर भाग लें और अपनी सहभागिता दें। उधर महासमुंद में भी ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने मस्जिद में जाकर नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर बधाई दी।
प्रशासन ने ईदगाहों में भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं कबीरधाम जिले में भी ईद पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को सेवई खिलाई और मुंह मीठा किया। बच्चों में भी ईद को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरबा के केरा झरिया गांव में आदर्श गौठान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने गौठान में चौपाल लगाई और लोगों से सीधी बातचीत की। श्री बघेल ने ग्रामीणों को नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना के फायदे बताए और इससे जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने चौपाल में आए ग्रामीणों से योजना का फीडबैक लिया। सभी ने कहा कि हर गांव में ऐसे गौठान बनने चाहिए। श्री बघेल ने गौठान के पास चारागाह में पशुओं के लिए पैरादान करने की ग्रामीणों से अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चराई भूमि में हरे चारे की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये गौठान में आने वाले मवेशियों के लिए पूरा नहीं पड़ पाएगा, इसलिए किसान बचे हुए पैरे को यहाँ दान करें ताकि मवेशियों के लिए भोजन की व्यवस्था हो सके। बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि हमारे प्राचीन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसे नया स्वरूप दिया गया है कि गौठान को घेर दिया जाए, वहाँ पानी का और चारा की व्यवस्था कर दिया जाए और वहाँ नस्ल सुधार और इलाज की व्यवस्था कर दिया जाए और गोबर से न केवल गैस निकालने का काम बल्कि उसकी वर्मी खाद और कंपोस्ट खाद भी बनाया जाए। आजकल तो उसके उपटन और धूप भी बनाने का काम हो रहा है, उस दिशा में भी काम किया जाएगा ताकि यहाँ जो काम कर रहे लोग हैं उसे लोगों को रोजगार भी मिल सके और गौवंश की सेवा भी हो सके। साथ ही जो फसल चराई होता था, फसल लेना मुश्किल हो जाता था किसानों का, वो भी बचे, हम दूसरी फसल भी ले सकें। तो ये बहुत ही उपयोगी योजना है। उधर मुख्यमंत्री ने मुंगेली के ग्राम लोहंदा में भी चौपाल लगाई। यहां उन्होंने 2,21,00,000 रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत हितग्राहियों को 11,99,000 रुपए के चेक वितरित किए। उन्होंने गांव के किसानों को केला उत्पादन के लिए सम्मानित भी किया। प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम योजना लागू होने जा रही है। इसके लिए विकास खंडों का चयन कर लिया गया है। कोरबा प्रवास पर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि पहले प्रदेश के सभी जिलों के एक एक विकास खंड में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लागू किया जा रहा है। स्कीम की दिशा में हर संभाग में एक ब्लॉक को चयनित कर लिया गया है और पायलट प्रोजेक्ट वहां लॉन्च करके उसकी सफलता के आधार पर पूरे राज्य में एक साथ लागू कर दिया जाए। गौरतलब है कि श्री सिंहदेव थाईलैंड जाकर वहां लागू यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम की जानकारियों और बारीकियों का अध्ययन कर अब प्रदेश में इसे लागू कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के सभी मल्टीप्लेक्स के सामने प्रदर्शन कर रहे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। एक मल्टीप्लेक्स के सामने प्रदर्शन कर रहे कलाकारों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल लाया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े निर्माता और कलाकार मल्टीप्लेक्स में फिल्म प्रदर्शित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज सुबह से ही प्रदर्शनकारी मल्टीप्लेक्स के बाहर दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे कि वे उनका सहयोग करें और वहां फिल्म न देखें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावरण दिवस पर देश भर के राजमार्गों के किनारे रोपे जाएंगे 125 करोड़ पौधे। प्रदेश में भी वृक्षारोपण और साइकिल रैली सहित हुए अनेक आयोजन। ईद पर मस्जिदों और ईदगाहों में अदा की गई विशेष नमाज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी मुबारकबाद। और मुंगेली में मुख्यमंत्री ने लगाई चौपाल, लोगों से सीधी बातचीत कर मांगे सुझाव। और प्रदेश के हर जिले के एक विकास खंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू होगी यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।